नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरएनई ट्यूटोरियल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो अभी तो मार्केट में धूम मचा रखी है। दोस्तों ये बिजनेस तब तक चलेगी दोस्तों जब तक हम खाना खाएंगे, यानी कि आज का जो बिजनेस का टॉपिक है दोस्तों वो खाना खाने वाले पेपर प्लेट है। दोस्तों हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और पेपर प्लेट बनाने का बिजनेस के बारे में ए टू जेड मालूम हो जाएगा। दोस्तों पेपर प्लेट बनाकर आप मार्केट में बेच सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, यानी कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कितनी की इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगी, मशीन कौन सी खरीदने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल्स आपको कहां से मिलेगा, उसका कॉस्टिंग कैसा आता है, प्रॉफिट कैसा होगा, लाइसेंस क्या क्या लेने पड़ेंगे, ऐसे सारी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। दोस्तों तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, आपको एक अच्छा खासा बिजनेस के बारे में मालूम हो जाएंगे। दोस्तों अब चलिए सीधे जान लेते हैं इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों इस पेपर प्लेट का बिजनेस आप दो तरीकों से शुरू कर सकते हो, एक है लो इन्वेस्टमेंट में मैनुअल तरीके के साथ, दूसरा है थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक तरीकों से। ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप किस तरह ये बिजनेस शुरू करोगे। दोस्तों दोनों तरीकों में मुनाफा तो सेम परसेंटेज ही रहेगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल सेम ही खरीदने पड़ेंगे और तैयार हुआ पेपर प्लेट भी आपको सेम प्राइस में ही सेल करना पड़ेगा। आप चलिए जान लेते हैं दोनों बिजनेस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इसके बारे में। दोस्तों अगर आप मैनुअल मशीन के माध्यम से ये पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मशीन का प्राइस होगा 15,000 से 17,000 रुपए। डाई 4 इंच से लेकर आप 14 इंच तक लगा पाओगे इस मशीन में, यानी कि आप पानीपुरी वाला प्लेट से लेकर राइस प्लेट तक बना पाओगे। इस मैनुअल मशीन बिना बिजली के ही चलता है, मगर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए होता है डाई को गर्म करने के लिए। इस मशीन से आप सारे दिन में यानी कि 7-8 घंटा काम करोगे तो टोटल 4,000 से 5,000 प्लेट बना पाओगे। आप दोस्तों अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन यानी कि हाइड्रोलिक मशीन लगाकर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मशीन के लिए आपके इन्वेस्टमेंट 50,000 से लेकर 1,00,000 तक पड़ेगा। ये सारे मशीन इलेक्ट्रिक में चलता है दोस्तों, और इसका पर डे का प्रोडक्शन 10,000 से 12,000 है, यानी कि मैनुअल मशीन का डबल। एक आदमी अगर एक दिन 8 घंटा भी काम करता है तो पर डे उनका इनकम होगा 3,000 से 4,000 रुपए। अब दोस्तों मशीन के बारे में आपको पता चल गया, मशीन जैसे भी हो आपका प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, मगर सेल करोगे कहाँ? दोस्तों आप पर डे 10-12 हजार पेपर प्लेट दुकान में घूम के सेल नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको होलसेल मार्केट की जरूरत है जो सारे छोटे बड़े शहर में मिल जाते हैं। यानी कि मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट अपना बहुत ही चाहिदामंद है, यानी कि डिमांड इसका बहुत ज्यादा है। आप जहां भी लेकर जाओगे आपका प्रोडक्ट सेल हो ही जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। दोस्तों इस बिजनेस में आपको 150 से 250 रुपए मिलता है 1,000 पीस पेपर प्लेट पर। अगर आप होलसेल सप्लाई करते हो तो भी आपको ये रेट मिलेगा। अगर आप मैनुअल मशीन लेकर पार्टी 5,000 प्लेट बना पाओगे तो पार्टी का आपका इनकम होगा 1,000 से 1,200 रुपए। दूसरी तरफ हाइड्रोलिक मशीन में इनकम होगा 3,000 से 4,000 रुपए। अब ये मशीन आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ कंपनी का डिटेल्स दिया है दोस्तों, ताकि आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करके मशीन मंगवा सको और बिजनेस शुरू कर सको। अब दोस्तों इस बिजनेस के रॉ मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पेपर प्लेट बनाने का जो रॉ मटेरियल्स होता है वो GSM के ऊपर होता है। आप जितने GSM के रॉ मटेरियल्स लेंगे उतना क्वालिटी अच्छा होगा। ये रॉ मटेरियल्स आपको मशीन सेलर ही देता है नेचुरली। आप जिस कंपनी से मशीन खरीदते हो वो कंपनी आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है सस्ता प्राइस में। अगर आप दूसरा कोई स्टेट से अगर मशीन खरीदते हो तो भी आपको लोकल मार्केट में इसका रॉ मटेरियल मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों रॉ मटेरियल्स का क्वालिटी एंड प्राइस GSM के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि जितना GSM ज्यादा होगा उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा और उसका प्राइस भी ज्यादा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। दोस्तों शुरू शुरू में आपको सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। आपका बिजनेस जब बड़ा हो जाए यानी कि 1-2 साल के बाद आपका कंपनी का ROC एंड MSME से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके साथ साथ बैंक का एक करंट अकाउंट और GST नंबर भी लेना पड़ेगा बस। मगर दोस्तों सबसे पहले याद रखना कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक YouTube का 10 मिनट का बिजनेस वीडियो काफी नहीं है, आपको खुद फील्ड में जाकर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट का जज कर पाओगे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई दमदार बिजनेस आइडियाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अच्छे रहिए, खुशमंत रहिए।